आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। चकबंदी में लापरवाही पर सीएम ने चलाया हंटर, 8 मंडलों के 28 चकबंदी अधिकारियों पर गाज, 3 निलंबित। चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेट लतीफी, लापरवाही और अनियमितता पर 8 मंडल के 28 चकबंदी अधिकारियों पर गाज गिरी है। इनमें से 3 कार्मिकों को निलंबित किया गया है और एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन से कटौती के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं एक उपसंचालक चकबंदी को पद से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। चकबंदी आयुक्त GS नवीन कुमार ने बताया कि हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों के काम में लापरवाही व अनियमितता के साथ ही भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता पाई है। पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई तो उन्होंने कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। कुशीनगर के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संतोष कुमार को कार्य में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया। जौनपुर के ग्राम तियरा का काम पूरा न होने पर चकबंदी कर्ता व चकबंदी लेखपाल को चिन्हित कर निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहां के सहायक चकबंदी अधिकारी संजय मौर्य के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही के लिए कहा गया है। गोरखपुर के उपसंचालक चकबंदी राजनारायण त्रिपाठी को पद से हटाने के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र लिखा गया है। वहीं वहां के सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी रमेश पाल सिंह राणा को सेवाकाल में अनियमितता पर पेंशन 20% कटौती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इनसे हुआ जवाब तलब। बरेली, हरदोई, ललितपुर, उन्नाव, चित्रकूट और जौनपुर के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी क्रमशः पवन कुमार सिंह, श्री प्रकाश चंद्र उत्तम, राकेश कुमार, सुरेश कुमार सागर, मनोहर लाल और स्वतंत्र वीर सिंह यादव से जवाब तलब किया गया है। प्रतापगढ़ के उपसंचालक चकबंदी मुख्य राजस्व राकेश कुमार गुप्ता से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। वाराणसी के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी पवन कुमार सिद्धू के खिलाफ धारा 52 के तहत ग्राम अजगरा का एक काम पूरा न करने और स्थानांतरित चकबंदी लेखपालों को मुक्त न करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। शाहजहांपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर और देवरिया के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी क्रमशः मोहन लाल तत्कालीन, नरेंद्र सिंह, शशिकांत शुक्ला, पवन पांडे के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई है। अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश कन्नौज के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी धर्मेंद्र सिंह, बाराबंकी के चकबंदी अधिकारी शिव नारायण गुप्ता, बाराबंकी के कनिष्ठ सहायक उमा शंकर के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्यवाही की गई। फतेहपुर के सहायक चकबंदी अधिकारी महेंद्र सिंह का वेतन रोक दिया गया। बलरामपुर के सहायक चकबंदी अधिकारी संदीप यादव के खिलाफ भी कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रयागराज के ग्राम राजेपुर सराय अरजानी और प्रतापगढ़ के ग्राम धीमी का लक्ष्य पूरा न होने पर संबंधित सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई। आजमगढ़ के ग्राम महुआ में लापरवाही पर संबंधित सहायक चकबंदी अधिकारी का स्पष्टीकरण और चकबंदी कर्ता व चकबंदी लेखपाल का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।